नमस्कार मु शिक्षयत्री सवाना कात्री आज आम ओडिया बही पढ़ा चतुर्थ श्रेणी ओडिया बही ता बही पढ़ा पूर्व आम जानवा आज दिन कौन सोमवार आज तारीख 16/11/2020 आज आम ओडिया विषय पढ़ा तेणु आम पाठ पढ़ा पूर्व आपको किसी प्रश्न पचारक चाहिए जो भाया आपण मैंने जानते कि आम देशर प्रथम प्रधानमंत्री किए थे आम देशर प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो किछे दिन पूर्वर आम तर जन्मदिवस को शिशु दिवस रूप पालित करूँ आर जो स्नेह पा प्रति थिला से आम मैने देखिकी से निजर जन्मदिवस को शिशु दिवस रूप पालन करने से आम को उपदेश दे आज आम से विषय जीवन रु लक्ष्य कौन थी जीवन काल के विषय आज आम पढ़ा पाठ बार कौन अच्छी मो भारत महान से अच्छे जवाहरलाल नेहरू पूरा विषय अच्छी जन्म के 14 नवंबर 1899 मसीह मृत्यु होता 27 मे 1964 मसीह पिता नाम कौन थी मोतीलाल नेहरू माता नाम थी स्वप्न राणी तेणु आज आम चतुर्थ श्रेणी ओडिया पाठ पढ़ा पे आपण मैंने समस्ते कौन करूँ बही बाहर करूँ आम भाषा आम साहित्य पृष्ठ नंबर 54, 8 नंबर 12 से अच्छी मो भारत महान प्रथम मु पढ़ु आपण मैंने ध्यान शुणु मोतीलाल बैठक खानाटी सुंदर भाव सजा होता है टेबुल दुईटी कलम चक चक करुए बापा नथिबा बेले पुओ से घर को थरे जाए से कलम गोटे नापाई मन पड़ाइला भाविला बापा गोटे हेले चलो तेज दुईटा कलम कौन दरकार तेणु से गोटे नहीं गला तेणु आपण मैंने जानते जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बापा नाम कौन थी मोतीलाल नेहरू तेणु मोतीलाल नेहरू का बैठक खाना जो टेबुल थाए बैठक खाना तेणु से टेबुल दुईटी कलम चक चक करूला दुईटी कलम गोटे सब बेले पिला छुआ कौन करते देखुले आपापी आग्रह करूँ आ से भावी दुईटा कलम तक किसी दरकार नहीं तेणु मु गोटे नहीं ने कि फरक हम ना सन्ध्या गड़े जाए राति बापा टेबुल दुईट कलम बदल गोटे कलम देख समस्त पचारे तेणु सन्ध्या धीरे धीरे सन्ध्या है तेणु बापा जितेबले से बैठक खाना को गले टेबुल दुईटा कलम तेणु से सन्ध्या देखिले से टेबुल गोटे कलम अच्छी तेणु से कौन कले से समस्त को पचारे कहीं मानले ना शेषे चिंता कले पु मझीरे मझीरे घर भितर को आसे तेणु से समस्त को पचारे कहीं भी कथा मानले ना किए कलम नहीं तेणु बापा कौन कले से शेषे चिंता कले पु मझीरे मझीरे घर को आसु थाए डकई चापुड़ाई मारू से सब कथ मानिगला अनेक कांदिले मध्य बापा कहले एड़े बकेट पिला चोरी करुचु मीछ पुणे कहचु काहाकु न कही किछि जिनिष नेबा चोरी संगे समान तेणु ताकु बापा कौन कहले ताकु डाकिले डाकी ताकु चापुड़ाई मारिकी राकी राकरे पचारले तू एड़े बदमाश पिला तू मते न कही कि कलम नहीं गलु काहाकु किछि न कही तार जिनिष नेले से चोरी संगे समान हुए ताकु से बुझाइले से आउ केही नुहंती से होती जवाहरलाल नेहरू से जो मोतीलाल जो पिला को रागी जाए किसी कही से आउ केही नुहंती से किए थे जवाहरलाल नेहरू ताका बापा नाम मोतीलाल से 1899 मसीह नवेम्बर मस 14 तारीख में जन्म होते इलाहाबाद रे तेणु से बापा नाम आपको पूर्व कहीदे बापा नाम कौन था मोतीलाल से 14 नवंबर 1899 मसीह जन्मग्रहण करते जो इलाहाबाद सहर से माँ स्वरूप राणी स्नेह लाड़ित पाड़ित आईन विद्या पास कले तेणु से
माँ स्वप्न राणी को स्नेह लाड़ित पालित हो बड़ हो आईन विद्या से पाठ पढ़ी आईन विद्या पाठ से पास है प्रथम मुकुट विहीन विहीन प्रधानमंत्री हेले से देश को निज प्राण ठारू अधिक भल पाते से कहते भारतवासी मत स्नेह भल पाई से किसी उपकार होबरे भरोसा रखिंट तेणु से प्रधानमंत्री हेले स्वाधीन देशर प्रथम मुकुट विहीन प्रधानमंत्री किए हेले पंडित जवाहरलाल नेहरू आउ से निज देश को निज प्राण ठारू भी बहुत अधिक भल पाते आउ से सब बड़े कहते ये भारतवासी माने मो पर एते विश्वास रखे मुझे ना कि उपकार करी मत प्रधानमंत्री आसन में बसई मोर शेष निश्वास चलू पर्यंत भारतवासी सेवा करी तेणु से कौन कहले से मत गोटे विश्वास प्रधानमंत्री आसन में बसई तेणु मुझर विश्वास को किसी करी ना मोर शेष निश्वास चलू पर्यंत भारतवासी सेवा करी से कहती मो भारत महान तर गोटे स्लोगान से सब बड़े कौन कहते मो भारत महान भारत मातार मुक्ति निजर सुख सुविधा को से भूली जाते बड़े इंग्रेज मानक द्वारा देश शासित होता से कंग्रेस जोगदे से कौन कहते भारत मातार भारत पूरा भारत स्वाधीनता से निजर सुख सुविधा को मध्य भूली जाते बड़े इंग्रेज मानक द्वारा भारत में शासन होते इंग्रेज मैंने भारत में शासन कर चलते आँ करते कांग्रेस दल ने जोग देते राजनीति कले गांधी मृत्यु पूर्व से जवाहर को निजर उत्तराधिकारी भाव बाछी जाते महात्मा गांधी कौन करते मृत्यु पूर्व से सब लोक कही मो पर मोर जवाहरलाल नेहरू कौन हे उत्तराधिकारी आसन में से बसवे से कहते मुझे बड़े नी जवाहर मोर स्थान पूरण करी कारण से मो कथा को आंखि बुझी ग्रहण करना से कथा कह कारण थी कि से जवाहरलाल नेहरू को जिते बड़े भी कौन सी कथ कहते से सब बेले से कथा को आंखि बुझी के ग्रहण करना से सब बेले कौन करते कथार कौन भल अच्छी कौन खराब अच्छे से कथा को सब बेले से देखुले आउ गांधीजी सहित से चुक्ति करुले मो सब बहु समय मतरे अमेल रही तथापि से भारतवासी प्रति अगाध ममता पोषण करती कार्य करने असीम शक्ति रही शक्ति अगर कहटा देखा जाए ना आउ से जवाहरलाल नेहरू भितर कौन कौशल देखी थे कार्य कर शक्ति अनेक शक्ति भितर कार्य कर तेणु से अगर कहटे महात्मा गांधी एक देखी नथिले तेणु से हे मोर उत्तराधिकारी तेणु ये सब कु देखी महात्मा गांधी कौन करते लोक मान सब कथा को आखि आगे मुझे रखी मोर उत्तराधिकारी क्या कहदेबार चाहूँगी जवाहरलाल नेहरू को 1916 मसीह जवाहरलाल कमला को विवाह कले 1920 मसीह असहयोग आंदोलन चली थाए आंदोलन में इंग्रेज सरकार रागि जा मोतीलाल और जवाहर को गिरफ कले जेल है घर त्याग असीम जेल रु बाहरी विदेशी जिनस बर्जन कर स्लोगान दे तेणु 1916 मसीह जवाहरलाल नेहरू कमला को विवाह कले 1921 मसीह असहयोग आंदोलन से कौन कले जोगदे आंदोलन में इंग्रेज सरकार रागि जा मोतीलाल नेहरू एवं जवाहरलाल नेहरू को गिरफ कर जेल रखीदे आेल रु बाहरी विदेशी वस्त्र बर्जन कर माने विदेशी जो वस्त्र सब आसला भारतवासी मैंने पिंधे भी पिंधे ना तेणु से स्लोगान से मैंने जवाहरलाल नेहरू कही जो मैंने स्वाधीनता लड़ती जेल से मानकर स्वर्ग आ जवाहरलाल नेहरू सब बेले कौन कहते जो मैंने स्वाधीनता देशर स्वाधीनता लड़ुत जेल किसी नुहे से स्वर्ग कांग्रेस अधिवेशन पंजाब लाहौर में बसला बेले समस्ते गांधीजी को सभापतित्व करने को कहले गांधी कहले जवाहर हे सभापति शेष को से तेणु जो पंजाब कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में बसी बेले समस्ते कौन कहले जवाहर पंडित महात्मा गांधी आमर सभापति हे कि महात्मा गांधी कहले कि ना जे जवाहरलाल नेहरू सभापतित्व करे 1947 मसीह अगस्त 15
ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତେଣୁ 1964 ମସିହାରେ ମେ 27 ମାସ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ କାରଣ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଥିଲି କି ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ପିଲାଙ୍କର ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ ହେଉଥାଏ ସବୁ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼େ ଭାରତର ମହିମା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ସବୁ ସେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ମହାନ କାମ ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପଦପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବୁ ତେଣୁ ଆଜି ଏ ପାଠ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ସରିଲା ପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଧନ୍ୟବାଦ।